भारत आजादी के 75 साल के बाद उनकी भी अधिकार है विश्व की डेवलपमेंट को जानने के लिए और विश्व के अंदर जो नए चीज हो रहा है एआई क्या है, तब हमारी ये स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल की सार्थकता तब होगी अगर उड़ीसा आंध्र छत्तीसगढ़ की सीमा में रहने वाले कुई समाज के लोग, सवर समाज के लोग जो कुई भाषा बोलते हैं, अगर उन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में जाके अपने ही भाषा में, देखो स्किल लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्किल आता नहीं है, स्किल लोग हैं, उनका मेडिसिनल नॉलेज, प्लांट बेस्ड मेडिसिनल नॉलेज हम लोगों से ज्यादा है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में हमसे सीखना नहीं, उनसे हमें सीखना है, डिजेस्टर रेजिलियंस के बारे में उनसे हमें सीखना है, उनकी स्किल अगर कोई भाषा में वो कहेंगे, मुंबई की साउथ मुंबई में बैठे हुए कॉरपोरेट वॉल के लोग अगर डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एथनिसिटी के बारे में कुछ चीजों को समझना है, तब आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में उसको कोई भाषा में कहेगा, उसको मराठी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या मैंड्रिन भाषा में, जिनको सीखना है वो सीख सकता है। इस प्रकार की एम्बिशन इस पोर्टल में है। सृष्टा इसको इसे बनाएगी कि नहीं बनाएगी उनको मालूम है, लेकिन मैं तो उसकी अपेक्षा, मैं सपना देखने, प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश में अभी कोई भी चीज छोटा नहीं हम सोचेंगे, हम बड़ा सोचेंगे और बड़ा सपना देखेंगे। मैं बहुत ही आज उत्साहित हूं, बहुत ही मेरे मन प्रसन्न है कि बहुत दिन में पिछले टर्म में जब स्किल डिपार्टमेंट के काम में था तब मैंने पूछा भाई इसमें कितने लोग स्किल्ड हुए हैं, विभाग के अधिकारी कुछ नंबर मेरे सामने लेके आ गए, मैं बोला उसकी तथ्य कहां है, सर पता नहीं है। और इस सेक्टर स्किल काउंसिल वाले आजकल ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उस समय में जो था अनुभव उनका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, ट्रेनिंग पार्टनर अपना एक दुनिया में रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, देखो ये टैक्स पेयर की पैसा है, हम कस्टोडियन है, हम ट्रस्टी हैं, हमें समाज के सामने पाई पाई की हिसाब देना है। और डिजिटल दुनिया में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उससे और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आज भारत सरकार की अगुवाई से एक ओपन सोर्स, मैं अभी कोशिश किया मेरे फोन पे उसको डाउनलोड करने के लिए, मेरे को मेरा पासवर्ड याद नहीं था इसलिए मैंने कर नहीं पाया, लेकिन एप्पल में फ्री ऐप ये मिलता है कि अतुल जी फ्री रखेंगे ना आप आगे, नहीं तो ये पूरे टेक्नोलॉजी कंपनी वाले कहते हैं कि ओपन सोर्स फॉर विथ छोटे से लिखा जाते पहला 3 साल के लिए। ये भारत सरकार की टैक्स पेयर पैसे से बनी है, ये भारत की 140 करोड़ नहीं, इस बार तो अभी अभी हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, भारत के पास आने वाले 25 साल तक अमृत काल में कुछ नेचुरल एडवांटेज रहेगा, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दुनिया में कामकाजी लोगों की संख्या घटी है, संपन्नता अफुलेंसी लोगों को आलसी भी बना रहा है, यह भी एक सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा।